मैं पूछती हूँ निगुंडा नाम की स्पीशी होती क्या है। एचओडी से कहो मैं उसका इंटरव्यू करूंगी लेकिन सवाल अपनी मर्जी के करूंगी। गुंडा हमारी ना इंसाफी बुजदिली और करप्शन से पैदा होने वाले उस कीड़े का नाम जो हमारी हिम्मत और वकार को पैरालाइज कर देता है। इसी गुंडे के आड़ में छुपकर हमने अपने मुल्क के 74 साल जाया कर दिए और अब जब वो अपने पैदा करने वाले से अपना हिस्सा मांगता है तो आप चीख चीख कर कहते हैं कि वो गुंडा है। मरवाएगी दिलवर, कारोबार खत्म कराएगी अपना। Whatever, नहीं सर, डीसी साहब हुकुम की तामील करेंगे, तामील में आप उनकी मदद करेंगे, चैनल पे शो होगा, मुझे स्क्रिप्टेड लाइंस बोलनी पड़ेंगी, हाँ सबके आपसी तालुकात बढ़ जाएंगे लेकिन गुंडों का बाल बाका नहीं होगा। हम चैनल से तनख्वाह लेते हैं तो उन्हें सर्व करना पड़ेगा। मुल्क से कुछ नहीं लेते हम, चैनल से एक तनख्वाह लेते हैं उसके लिए दुगनी मेहनत करते हैं, मुल्क से पता नहीं क्या क्या लेते हैं, उसको कब सर्व करेंगे हम। बहुत जल्द सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर। मैं तो हुई तेरी, मैं तो हुई तेरी जोगनिया। ओ प्लीज कम ऑन सलमान, उस नफ्सियाती मरीजा के पीछे भागते भागते जब थक गए तो खुद को बीमार समझने लगे हो, इसके सिवा और कुछ नहीं है। बहुत कुछ है इसके अलावा, तो एक दीवानी के पीछे भागते भागते कहीं पहुंच गया लेकिन आप तो पैसे की दौड़ में। पैसे की दौड़ में क्या क्या हुआ है मुझे? कुछ नहीं, टीना ये मैं क्या सुन रहा हूं? यू नो व्हाट, तैमूर अंकल कहते हैं कि 11th क्लब में एक रोमांस का वायरस फैल गया है। He's wrong. तुम मुझे अच्छे लगते हो लेकिन मुझे बदनाम ना करते ना। मैं तुम्हें बहुत अच्छा लगता हूँ, ये पुरानी बात है, लेकिन क्या इस बारे में मैंने किसी से कुछ कहा? क्यों नहीं कहा? टीना किसी के भी जज्बात और एहसासात बहुत कीमती होते हैं और खास तौर पर लड़की के मामले में शर्म हया और शराफत का खास ख्याल रखना पड़ता है। फिर वो लड़के जो पसंद आ गई है, बच्ची बड़ी फिट है, सेटिंग हो गई है, इस तरह की बातें करते हैं, उनका क्या किया जाए? ऐसा शख्स जो अपनी मोहब्बत और नाजुक एहसासात को बाजारी गुफ्तगु बना दे उसे दूर रहना चाहिए। ना क्या करो ऐसी बात, क्यों और अच्छे लगने लगते हो और ये मैं नहीं चाहती। मुझे डॉक्टर परी से मिलना है, मारिया से नहीं। फिजान जिद ना करो, चलो ये मेरी चॉइस है, जिद नहीं। अच्छा चलो आओ, तो मैं मेरे चलता हूँ। ये अच्छा आदमी है, तुम आओ। सिया पिछले वीक में डॉक्टर परी और डॉक्टर बहराम से कितनी बार मुलाकात हुई है? उन दोनों से तो मेरी रोज ही मुलाकात होती है। मैं पूछ रही हूँ कि उन्होंने तुम्हारा इंटरव्यू लिया? इंटरव्यू वो तो आजकल नूरे सभा कर रही है चंद मखसूस और पसंदीदा अफराद के। हुकुम करें। सुबह क्या पूछ रहे थे रामिद? टीना यहाँ से रुखसत होने वाली है ना? शुक्र है किसी ने तो मेरे मतलब की बात की। रामिल इनएविटेबल है कि सबको एक दिन यहाँ से जाना होगा। दीवाने का ख्वाब है, मर गए हमें यहाँ से निकालने वाले। वैसे कौन है जो ये सब कर रहा है? तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। जया डर गई ना, छुटा गया वो मर गया। खान को पता चल गया है कि वो नौकरी से निकालना चाहेगा और गिरफ्तार भी होगा। तो फिर अब वो क्या करेगा? उसने फरार होने का मंसूबा बना लिया है। अकेले? हाँ वो तो सोलो फ्लाइट है। लेकिन वो भागेगा कैसे? बस अरे लॉन्च या फिर ऊंटों पर लाद कर रवाना किया जाएगा। मुझे नहीं लगता, मुझे तो पक्का पता है। एथिकल वाकई बद गई। हाउ कैन आई? चलो फिर चल के देखते हैं कि आगे क्या होने वाला। मेरा पीछा करो। ओके। आहिस्ता चलो, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा एक थर्ड वर्ल्ड वार कराने का साजिश चल रहा है, दूसरा हमारे खिलाफ साजिश चल रहा है। हम कितना कीमती बंदे हैं, काश
हमारा अम्मा जिंदा होता तो कितना खुश होता। अम्मा जी, अम्मा जी, दाद सुनाओ ना कुछ। वही सोच रहा हूं, समझ नहीं आ रहा क्या सुनाऊं आज। हाँ, हजरत जॉन एलिया का कुछ हो जाए। वैसे भी जॉन एलिया बहुत याद आ रहे हैं। मैं तो कभी भूला ही नहीं। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। वाह वाह, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रमज है जिस रमज का मारा हुआ जहन मुजदा इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता, नहीं पा सकता, नहीं पा पा सकता। सलीम, मानूर भी साथ जाएगी। हाँ, लेकिन कोई बड़ा भी तो साथ जाना चाहिए ना। और इस केस में यकीनन वो बढ़िया। तुमने मेरी बात मान ली क्या? इनकार नहीं कर सकता। तनिया को तलाक भी नहीं दे सकता। तैफूर मेरे साथ जबान करके मुकर गया, उसने मेरी इंसल्ट की है। लड़की वाले अपना हक मांगे तो लड़के वालों को तोहिन क्यों लगती है? ये अल्फाज तुम्हारी जबान पे नहीं सचते। ठीक है, मैं बुरा हूं, बहुत बुरा हूं, लेकिन इतना बुरा नहीं कि अपनी आपकी अनाह के लिए अपने ससुर और बीवी का जीना हराम कर दूं। बहू के पैसे पर कमीने नजर रखते हैं। इसका ख्याल रखो, दिमाग थोड़ा सा मोटा है, इसको थोड़ा बादाम खिलाओ यार। बीबी साहिबा, डॉक्टर बैराम आपका इतना सुनता है, उसको तुम बोलो ना कि साजिश हो रहा है। इलेवेंस क्लब नहीं बेटे का लाला, क्यों परेशान होते हो, वहम हुआ है आपको? हमने अपने इन कानों से सुना है, यहां से सबको भेजने का तैयारी शुरू है। तो एक दिन तो सबने जाना है। इस खूबसूरत माहौल को छोड़कर, इस पुरसकून जगह को छोड़कर तो जाना ही है। किसी नए के लिए जाना तो पड़ेगा ना। तुम सब एक जैसा बात करता है, हमको ये बात हजम नहीं होता है। नाना, अगर गौर से समझेगा ना तो तुमको हजम भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है, हम सोचते हैं। तो ठीक है। मेरी बेइंतहा मोहब्बत का सलमान अपना जायज फायदा उठा रहा है। तैफूर ने कई बार मुझे बेइज्जत किया, अपनी दौलत के गुरूर में मुझे नीचा दिखाया। मैंने नहास किया, लेकिन अब नहीं, हर बार जीत उसकी हो यह अब नहीं होगा। मैं देखती हूं तानिया कैसे रुखसत होकर इस घर में आती है। तैफूर खान, तुम अपनी बेटी के दुख में तड़प तड़प कर मरोगे। आप यार, ये यहाँ उल्टी सीधी बातें कौन फैला रहा है? खान ही फैलाता है, और कौन होगा? आम पर किसी ने इल्जाम लगाया तो इधर गोलियां चलेगा।
तुम तशद्दुद पसंद कब से हो गए? जब से तुम जिल्लत पसंद हुए। मैं डॉक्टर बहराम को जाकर बताता हूँ कि तुम यहाँ पे मेंबर्स को फेंका रहे हो। हम? हाँ जी। यहाँ बहका हुआ कोई नहीं है खान, बस मेरी एक बात मान लो। क्या? जब भी कोई खबर मिले तो उसे तस्दीक किए बिना फैलाया ना करो। हमारा डिस इंफॉर्मेशन सेल पे तुम शक कर रहे? मुझे कभी किसी पर शक नहीं हुआ, इसीलिए पागल करा दे दिया गया। कहता तो ये ठीक है लेकिन हमको पागल नहीं बना सकता है। दास गप होना देखा ना। इलेवंस क्लब का माहौल बदलने लगा, ये तुम कल से कह रहे हो, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि क्योंकि जुबैदा के अलावा तुमको कुछ नहीं लगता है। जैन ठीक कहता है, हमको लगता है मैडम इलेवंस क्लब बेच देगा। 500 गज का प्लाट है ये जो बेच रहा है, एक मिशन के तौर पे बना ये इदारा। मैंने सुना है इस इमारत का लंबा चौड़ा कीमत लग गया है। तो क्या हम भी बिक जाएंगे? 3 डब्बा बाहर फेंक दिया जाता है या नशे ही उठा के ले जाता है। तुम नफ्सियाती मरीज है, तुमको कौन खरीदेगा? बड़ी महंगी कीमत लगी है कई नफ्सियाती मरीज माजी में। अब लोग सियाणा हो गए हैं, मेरी बात गौर से सुनो और समझ लो। मैडम डॉक्टर मारियो को फुल चार्ज देगा। किस लिए? ताकि तुम सबको इधर से रवाना करे और ये फार्म हाउस बेच दे। यानी हम भी ताजरों और सौदागरों के हत्थे चढ़ गए? पुराना हो गया ये बात, अब मजीद ताज़ा खबर निकाल के लाता है, तुम हमारा इंतजार करो। चौकीदारी की अगर खान, जासूसी नहीं। कितनी बार समझाया तुझे? सूरी, तुम्हारा ये फजूल और बकवास बात हमको समझ नहीं आएगा। कभी तो समझ आएगा खान। कभी नहीं आएगा क्योंकि हम बेवकूफों के हाथ खिलौना नहीं बन सकते। तुम्हें हमसे खतरा है खान? तुमको तुमसे खतरा है मड़ा? ये रहो न पुईगी नो खुदे दी पी का जासूस। क्यों उदास रहती हो? तुम्हें नहीं बता सकती, खामोश वहां पर बड़ा आजाब होती है। क्या करूं? फिर क्या करूं? बता दो उसे, मैं ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रद्द कर देगा? वहां कबूल हो जाओ उसे, सोचा करो इस पर। काम मुझसे कोई हुआ ही नहीं, बात यह है कि मैं तो था ही नहीं। एक तो ये लेमन्स क्लब ये खाम खा परेशान हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब नूर को घर चले जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा मास्टर, क्योंकि मावा ठंडिया चावा, मावा ठंडिया चावा। हम तो खुद बड़े दिल वाले हैं लेकिन नूर हम सबसे बड़ी दिल वाली है। मेरा ख्याल है कि अब माँ बेटी की दूरियां खत्म हो जानी चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे मतलब? जब से नूर बेहतर हुई है उसने हमें एक से बढ़कर एक अच्छी बात सिखाई है। ओए काका, उस्ताद से ज्ञान लेके आगे बढ़ जाना चाहिए, उसकी लड़ पकड़ के वहीं खड़े नहीं रहते। यानी? जानी नूर एक रोशनी थी, अब यहाँ से निकल के अगर बाहर रोशनी फैलाएगी तो इसमें बुराई क्या है? देखो मुझे तुम लोगों की बात समझ नहीं आ रही। क्यों रे? मेरा ख्याल है कि इसे एक लेक्चर और दिलवाना पड़ेगा। बिल्कुल दिलवाना पड़ेगा मास्टर। चलो जाओ, जाके लेक्चर लो। चलो। कभी खुद भी आ जाया करो, बैंड मास्टर के साथ मसरूफ होता हूँ मैं, खुद भी आ जाया करो। आ जाऊंगा, चलो जाओ। चलो जाओ, और सीनियर से ऐसे बात नहीं करते। चलो चल।
मावा ठंडिया चावा। अरे पा अरे मावा ठंडिया चावा। मास्टर हड़िप्पा बैंड मास्टर के साथ रह रहा के ना हड़िप्पा भी निकल गया। हाँ मावा ठंडिया चावा मावा ठंडिया चावा। नहीं जुबैदा मेरी बात सुनो। रुको नहीं मना किया था मैंने। डॉक्टर परी क्लोज वार्ड में फेंक देंगे अगर मेरी बात न सुनी। मामा जी की अदालत बंद करो वरना जुबैदा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। अच्छा और वो क्या करेंगी? मुअत्तल कर देगी मुझसे चिड़के या फिर नौकरी से बरखास्त कर देगी। अकरबा परवरी इसी को तो कहते हैं, इसी ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। अकरबा परवरी का तुम्हें क्या पता? हाँ इन फलसफियों के साथ बैठकर चार लफ्ज क्या सीख ले तुम तो सर पर ही चढ़ गए। हमको तनकीद का निशाना बनाएगा तो हम तुम्हारा एहतसाब करेगा फिर तुम क्या करेगा? के साथ रहकर ये भी पागल हो गया। ये तुमसे अकलमंद है तैयब? तुम कैसे जानता है? चेहरे पे लिखा होता है हर इंसान के, पढ़ने वाली नजर चाहिए बस। वाह कितना अच्छा बात किए। इन फलसफियों के साथ रह रहे कि हम भी एक दिन प्रोफेसर बन जाएगा। जिंदाबाद। मुझे शक या वहम की बीमारी नहीं है, यकीन है कि सलमान अभी भी नूर से मिलता है और तुम मुझसे छुपा रहे हो। वो आपको कुछ नहीं बताएगा, मुझसे डायरेक्ट पूछ लें। तुम्हें जेब नहीं देता है मुझे धोखा देना। और आपको जेब देता है नौकरों से मेरी जासूसी करवाना। तुम अभी भी नूर से मिलते हो ना? मैं सिर्फ तानिया से मिलता हूं। किससे मिलो? क्या चाहती हैं? ये दोनों औरतें नहीं छोड़ सकता, दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकता। सलमान मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। और आप मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान ले चुकी हैं किरण जी। मास्टर, ओ मास्टर किधर होता है आजकल, नजर नहीं आता है। तुमने ये जो नई आंखें बनवा ली है ना, इनमें मुझे देखने की ताकत नहीं है। किधर होता है? तुम जिन है भूत है या देवो? खो जाऊंगा मैं, मुझसे बच के रहना वरना। खैर छोड़ो। छोड़ दिया वो तुम्हारा एक दोस्त मरासी फनकार। फनकार वही वही फनकार, वो किधर गायब है आजकल? वो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है आजकल, उससे भी बच के रहना। उसके नाम का एक गोली हमने अपना इस टोपक में डाला हुआ है। टोपक जमा कानून दे आओ का ना खान, हम तशद्दत पसंद तो नहीं थे, तुम किस पे चले गए हो? अपना अबू पे, वो बड़ा नेक इंसान था। हाँ माँ बाप तो होते ही नेक हैं, लेकिन औलाद तुम जैसी निकल आती है कभी कभी। कभी 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 मेरे दिल में ख्याल आता है। मास्टर हमको बुरा भला किया गया, उधरेगा मारा। तानिया ने कॉल की थी आपको? हाँ की थी, देखिए मैंने पिक नहीं की। उसको मना कर दो, मैं उससे बात नहीं कर सकती। ये वही तानिया जिसके दिन रात आप गीत गाया करती थी। बचपन से मेरे जहन में एक ही बात बिठाई कि तानिया मेरे लिए और मैं उसके लिए बना हूं। वक्त पक की बात हर वक्त नहीं करते ना, आसान होता है फौरन किसी को अपना लेना या छोड़ देना। जब फिलॉसफी ऑफ लाइफ डिस्टर्ब होती है ना तो इंसान इसी किस्म की बहकी बहकी बातें करता है जिसने तुम कर रहे हो। फिलॉसफी ऑफ लव डिस्टर्ब हो तो इंसान कैसी बातें करता? खुद से पूछो। नफरत की मार नहीं पड़ी, प्यार की मार पड़ी है मुझे और आपको भी। फिर कोई आया दिलेजार? नहीं कोई नहीं, राहरो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार,
लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख्वाबीदा चिराग। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शम में बढ़ा दो मैं ओ मीना ओ अयाग, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहां कोई नहीं आए। डॉक्टर मारिया ने भी मुझे डांटा है और आपको भी गलत फहमी है, मैंने आपकी शिकायत नहीं लगाई। मैंने भी तुम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैं तो बस तुम्हारी उस बुरी आदत को ख़त्म करना चाह रही हूँ जो हम में से अक्सर लोगों की आदत बन चुकी है। कोशिश तो करती हूँ कि लगाई बुझाई ना करूँ, लेकिन जाने अनजाने में हो जाती है, फिर बेसकून होती हूँ पता नहीं क्यों। कान रस हो जाता है, फैमिली पॉलिटिक्स सुनते सुनते, फिर जबान का चस्का, लोगों की बुराई करते करते, और फिर क्या, रब नाराज उसके बंदे भी नाराज। तुम अच्छी लड़की हो, अपनी जात में मस्त हो जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। अंडे से चूजा निकलकर मुर्गा बनता है, हम किसी इंसान को मुर्गा कैसे बना सकते हैं? याददाश्त फिर चलेगी, इसकी भी जान भी चली जाएगी। सर फोड़ दो एक दफा हमारा। तोड़ फोड़ नहीं, जोड़ तोड़ किया करो, हम बदमाशों से लड़ने के लिए अक्कल लड़ाया करो। अगर तुम दोनों की वजह से किसी को नुकसान पहुंचा तो याद रखना 11th क्लब के सूल मुझे अपनी जान से ज्यादा प्यारे हैं। निकल, ये दोनों किसी नई कत्ती पे चढ़ाएंगे। खास साहब आज तो कुछ सुना दे। मैंने गाना छोड़ दिया। आप इसका पक्का सूटा छुड़वा दें, तुमने कुछ नहीं सुनाना। आपने अपने असेसमेंट फॉर्म में अपनी जिंदगी और अपनी बीमारी के बारे में बहुत कुछ बताया, आज हमें कुछ लाइव सुना दें प्लीज। अब मैडम शाम हो गई है, ये महफिल किसी और दिन से जा लेंगे। दफ्तरी कागज का पेट भी तो भरना होता है ना, हमारी नौकरी का सवाल। देखिए मैं आप सच्चा फनकार पब्लिक के पुरसोर इसरार पर इनकार नहीं करता। कौन है ये इसरार? आई सी, बादब हो, फनकार को बनाना आता है। चले बुलल्ले खां की कहानी इजार अली खां की जुबान। आई प्लीज हिसाब के चार बड़े कायदे हैं, जमा तफरीक जर्ब तकसीम। पहला कायदा जमा। जमा के कायदे पर अमल करना आसान नहीं है, खुसूसन महंगाई के दिनों में। मैं टीना जी से आज ही बात करूंगा। क्या बात? जब मैं नॉर्मल होके यहां से निकलूंगा तो एक्टर बनूंगा, वो इंट्रोड्यूस करवाएंगी मुझे। इसमें हंसने वाली क्या बात है? मुश्किल काम है बच्चे, कोई आसान बात कर। मुश्किलों से लड़कर जीतना ही तो सीखा है हमने, यहां लड़ाई मना है। बात सुन, हर बात में छत से क्यों टपक पड़ता है? क्योंकि हम हैं मिस्टर खामखा। तुम्हारे खिलाफ वारंट निकला है मिस्टर ख्वामख्वा, बताओ इसे। क्या बोला ये? नफ्सियाती है बेचारा, इसकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ, तेरा ना इनकाउंटर होने वाला है। ना कर, तेरा ऑर्डर निकला हुआ है। अच्छा एने को सब पता है, पूछ ले उससे। मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है, आपने तो इश्क कर डाला। इसका जवाब देती हूँ मैं, पहले मुझे ये बताओ कि मोहब्बत करने में क्या मुश्किल? लोग बहुत जालिम हैं, मोहब्बत करने वाले को बड़ा घसीटते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और एक दिन छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, कुछ तो मोहब्बत ही नहीं करते और ना ही छोड़ कर जाते हैं। वो कौन होते हैं? कब्जा ग्रुप, अजियत पसंद, शिकारी फितरत लोग। किसी को प्यार में बांध कर रखना, उन्हें तड़पाना मजा आता है, उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? उनके हत्ते नहीं चढ़ना चाहिए बस।
लोग रिश्तों की कीमत जाने बिना प्यार करते हैं, और शादी एक इंसान को बांध के रखना बस बन गई है और कुछ नहीं। तुम जिंदगी भर अकेले रहे क्या? हरगिज नहीं, तन्हाई इंसान को खत्म कर देती है, बीमारी है बात बड़ी है। हम इतने कमजोर नहीं है कि किसी की वजह से प्यार ही ना करें, नहीं छोटी बात है, किसी की जहालत की सजा हम खुद को क्यों दें? किसी को रद्द करना, झूठ बोलना, धोखा देना, मतलब उसके साथ ज्यादती करना, ये बड़ी गलत बात है, बड़ी छोटी बात है। नफरत करना ये अच्छा एक्सप्रेशन नहीं है। और नफरत का इजहार करना वे नहीं बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। सबसे प्यार से बात करनी चाहिए, बस प्यार होना चाहिए। खूबसूरत बातें हैं आपकी, हमें समझ आ रही है इसका मतलब हम ठीक हो रहे हैं बिना किसी दवा के, बस आपकी दुआ से। इजहार अली खान नाम है मेरा, एक छोटे से शहर के जद्दी पुश्ती फनकार घराने में पैदा हुआ। माँ, खाला, बहन, घर की तमाम औरतें मुजरा और मर्द आराम करते थे। बरादरी, मोहल्ला, घर में तमाम लोग मुझे बलल्ले खान के नाम से पुकारते थे। बलल्ले खान आपका निकनेम? मुझे पागल और नफसियाती समझकर इस नाम से छेड़ा जाता था। मैं मोटे दिमाग का मशहूर था। आप तो बहुत बारीक बात करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों था? क्योंकि मैं घर की औरत को नचा कर पैसा कमाना नाजायज समझता था। मैं 12 साल और बड़ा भाई 15 साल का था जब माँ जी को छाती का कैंसर हो गया। इलाज करवाया, लेकिन वो एक रोज अपनी बहन को, हम दोनों भाई का हाथ पकड़ाकर चुपके से फौत हो गए। भाईजान ने खाला की बड़ी बेटी से पढ़ लिख कर शादी कर ली और दुबई में अकेला जाकर कारोबार सेट कर लिया। मुझे क्लासिकल म्यूजिक का शौक था, खाला ने बीकॉम तक पढ़ाया, मौसीकी की तालीम भी दी, लेकिन खानदानी रवायात से बगावत मेरा ऐसा जुर्म था जिसकी माफी तलाफी मुमकिन न थी। हाँ साहब, दाइयों से ज्यादा तैयारी है, हार सिंगार से तो लगता है आज आप मेरे साथ नाचेंगे। मेरा बस चले तो तुम्हें दिल में बिठाकर चिलमन गिरा दो और तमाशबीन तुम्हारी एक झलक भी ना देख सकूं। नहीं हम कहाँ पैदा हो गए यार, तुम्हारे पैरों में बने घुंघरू मेरे दिल पर कहर बनकर टूटते। दिल को पक्का करो खास साहब, कोठे से कोठी तक का सफर बहुत महंगा है, मैंने घुंघरू खोल दिए तो घर का राशन बंद हो जाएगा। जिसने पैदा किया वो रिस्क वाली नहीं करता, तुम मेरा साथ दो, हम कहीं दूर जाकर हक हलाल की कमाई खाएंगे। जो हराम खाकर इतने बड़े हुए हो, पहले उसका तो हक अदा कर दो, फिर हलाल भी कर देना। तुम्हारी तुम्हें क्या समझो? हाय, तवाइफ के थिरकते पैरों के नीचे कांटे ना बिछाओ, मम्मी तुमसे चिढ़ जाती हैं। खानदान वाले तुम्हारी शराफत को ज़हनी बीमारी कहते हैं, अगर तुम ना बदले तो इनकी नजरें बदल जाएंगी और हमारी मंगनी टूट जाएगी। फिर ढूंढ लेना अपनी जैसी कोई शरीफ शादी या अपनी जैसी पागल। हाय बेबी, तुम बता आज मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो तुम कॉल क्यों नहीं करता है मुझे टाइम पे? मोहब्बत वाइफ की मौत है और तुम्हारी ये लंबी लंबी कालें धंधा चौपट करेंगी। फोन और मैडम ये नहीं, तुम फिर जाके घुसे उस पगले की तकरीर सुनने। मम्मी आ गई ना, चलें तैयारी शुरू करते हैं। कैसी है खाला?
हेलो, कौन खाला? नाजो आंटी बोल रही हूँ। और तुझे छेला बनके कितना मैला लगता है, कोई बताता नहीं तुझे? बाप दादा का पहनावा। बाप दादा के साथ वाली कब्र में जाके दबा दे से भी। मम्मी, आप फिर पीछे पड़ गई इस बेचारे के। खानदान का आखिरी वाहिद मर्द है, अगर ये भी भाग गया तो फिर क्या करेंगी? दो गनमैन और रख लूंगी। और खान साहब, क्या इधर खड़े होकर लड़की से गपशप कर रहे हो? अंदर जा, महफिल की तैयारी कर, कोई माहौल बना, चल जा। वो जो क्लाइंट है ना, वो नौकर नहीं है तेरे बाप के, इंतजार करेंगे। चल शाबाश, जल्दी जा। क्या हो गया नाजो? मैं जरा डांस के स्टेप दिखा रहा था। और क्या नाजो, चल अंदर जा, चल जा, जा जल्दी कर। तुम मुझे कॉल नहीं करते हो? ये जो तेरे फ्रॉक में तड़प रहा है ना, इसे के फोन पे चस्के नहीं, इधर आ, पैसे लगा और जा जाके देख उसे, जो आज जरूरत पार हो गई है वो उसके नखरे नहीं खत्म होंगे। सोनू, अब प्रोग्राम शुरू होने वाला है, मैं ना तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? हाँ साहब, कैसे निजाम है? सर तो बेटी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खान साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, क्या कहना सरकार, अरे सारी महफल तो आज भी उस्तानी बुझे ना मुझे है हम तो सुहा क्या कहने। अरे क्या ऐसे ही फजूल में यहाँ पर लोग ही लोग हैं। हाँ समझ गया, ओके फाइन, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? बस क्या बताऊँ, मम्मी डांसर थी, डैड बहुत बड़े अफसर, लेकिन वो मुझे ऑन नहीं करते, इसलिए मैं नाजो आंटी के साथ रहती हूँ। सुनी सुनी सी कहानी लगती है। खैर छोड़ो, मैं किसी से बात करूँगा, इस पर फिल्म बनाएंगे, तुम हीरोइन आ जाना। सच्ची? वो जी। थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं। कैरी मुकम्मल उस्ताद जी। जी बिल्कुल, अब वैसे कोठी बढ़िया डाली है बेटी ने। फिर कोठी, पहली बार आए हो? और मेरा मतलब है वैसे तो कोठी की खुशी में दिल जा रहा है जरा मुंह गड़वा करने को। खान साहब ग्लोरी खिलाते हैं और पानी इधर मिलेगा, आजा आजा। आग लगे रेड और अपना अपना पीछे जा, चल। क्या बंदे हैं पीछे, इतने अच्छे खानदान क्यों, फिर भी ये क्या? अबे वो छोड़ गई मुझे, इसलिए पीता हूं। झूठे यार के गम में पीकर सच्चे रब को नाराज करते हो। प्रोग्राम शुरू करते नाजो, बात सुनो, तुम्हारा ये जो शॉर्ट सर्किट बन जाए ना, किसी दिन मार खाएगा मुझसे। अरे नेट डिले है उसके, कैसे दूंगी, मूड खराब ना करो, आज रानी का आइटम नंबर रखा है सिर्फ तुम्हारे लिए, मूड ठीक करो और बैठो एंजॉय करो। ओके खाना इजाजत, अब महफिल शुरू करें। हाँ हाँ शुरू करो, लेकिन जब लाल मुनीम कितने हैं? आज फायदा होगा। हाँ मैं गाऊंगा और सबको बुगाऊंगा, ये राग रागनी नहीं, मच्छली की तरह तड़पती हुई बेबी डॉल का माहौल है। मैंने बड़ी तैयारी की है। चुप, ये पकड़े जुएस नहीं और जवाब नहीं गाओ। खाला मैंने बड़ी रिहर्सल की, मैं गाऊंगा ना मुझे। अच्छा ना वे मिरासियों का बाल है। अनवर जी शुरू करो म्यूजिक।
बैरी पिया है सन की जग की ना माने जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने सन की सन के जग की ना माने जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने बैरी पिया है सन के जग की ना माने जगदा की होना है जी हाय अल्लाह जाने पहला फसला के कितना मोड़े जी हवाओं को किस किस की छत पे जाके चुगने हैं दाने बातों से मर्दाना पर अंदर से कितना जनाना और इस हमाम में आलमो सबका ही है आना जाना हर घर विच नजरा पावे मैं कहनी है जान दे कोई नी झूठ किसे दा किसे नु लावे मैं कहनी है जान दे कोई नी चेहरे पे चेहरा ढके दुनिया के शक से बच के रातां नु कित्थों आवे मैं कहनी है जान दे कोई नी हाय मैं सदके जाऊं जिन सब इतना इतराना ऊपर से आशियाना सब अंदर से झंडी खाना शर्मा के इतरा के कुछ भी नहीं बिगड़ेगा जो जितना बिगड़ा है और भी ज्यादा बिगड़ेगा बिगड़ा जमाना मेरे आशिक दिल को क्या जाने जगदा की होना है जी बड़ी बेबसी थी आपने कभी मुजरा देखा आपने आपने आप दोनों में से किसी ने मुझे देखा है मूवीज में देखा अरे टाइम कमरा मेरा मतलब है आपने कभी किसी तवायफ को अपने सामने नाचते हुए देखा एक नाचते हुए औरत पर करेंसी नोट फेंकना अल्लाह की हसीन मखलूक की तस्लीन है मैं ये नहीं देख सकता घिन आती मुझे मुझे भी तो घिन ही आती थी लेकिन वो तमाशबीन इस बेहूदा नजारे पे अपनी तिजोरी क्यों लुटा देता है ये एक नफ्सियाती मसला है अगर आपने इस बेराह रवि के खिलाफ आवाज उठाई थी तो अपनी मंगेतर नीना को लेके उस माहौल से कहीं और चले जाते कोशिश की थी लेकिन शरीफजादी बनना हर तवायफजादी के बस का रोग नहीं क्योंकि मैं ग्रीन हूं।